हेलो गाइस, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं कौन सी मशीन यूज़ करती हूँ और कौन सी मशीन यूज़ करना हमारे लिए बेटर होता है, क्या क्या फ़ीचर है मेरी मशीन में। तो आ जाओ, आज के वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे। तो ये मशीन का आउटलुक है पूरा, थोड़ा दूर से भी दिखा दो और फिर फ्रंट आ जाओ। ये कुछ इस तरह से दिख रही है फ्रंट से, जिसका नाम है सिल्वर सन S81। अब इसके अंदर के फीचर्स के बारे में बता देती हूँ मैं। जल्दी क्या हुआ, तो मशीन को चालू कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्विच है, स्विच चालू करते ही हमारा ये जो है लाइटिंग ऑन हो जाता है। जैसे अभी बंद है स्विच, ऑफ करने के बाद 2 सेकंड तक ये लाइट रहेगी, उसके बाद ऑन करने पे ये इस तरह से लाइट आती है। तो ये एस जो लिखा हुआ है उसमें हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से ये बटन से हम स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं। अभी स्पीड हाई है 3700, हमें अगर कम चाहिए तो हम ये बटन दबा के कम भी कर सकते हैं, यानी कि एकदम स्लो चले। उसके बाद ये सीजर का निशान दिया हुआ है, सीजर जो ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर सीजर ऑन करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। अब मैं जब फैब्रिक में चलाऊंगा तो ये सीजर से हमारा थ्रेड ऑटोमेटिकली कटिंग होगा। कट हो जाएगा आवाज के साथ। तो ये मशीन को हम इस पैडल के साथ स्टार्ट करते हैं। ये पैडल का ये दिखा, ये पैडल को जब मैं फिंगर की तरफ दबाऊंगी तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी, और जब मुझे थ्रेड कट करना हो तो मैं एड़ी पर जो प्रेशर लगाऊंगी तो थ्रेड कट हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर एक और फीचर है निडल वाला। जब मैं ये निडल वाला बटन दबा के रखूंगी तो जब इस ये बटन को हमें दबाना होता है तो एक बार मशीन चलेगी। अरे तो ये दबाएंगे तो एक बार मशीन चलती है, मतलब हमें कहीं पॉइंट निकालना हो, जैसे हम मशीन चलाते हुए आ रहे हैं और मान लो मुझे यहाँ पे पॉइंट बनाना है तो मैं एक बार, एक सेकंड, जैसे यहाँ पे मुझे एल शेप बनाना है तो मुझे यहाँ तक लाना है तो मैं यहाँ तक रुक के ये एक बार मशीन को ऐसे चला सकती हूँ, फिर ऐसे रिटर्न हो जाएंगे, फिर वापस थ्रेड कट हो जाएगा। तो इस तरह का फीचर है ये मशीन की। प्राइसिंग के बारे में अभी बात कर लेते हैं कि कितने की होती है ये मशीन। यहाँ पे इंच टेप दिया हुआ है, यहाँ पे इंच टेप भी दिया हुआ है। अगर इंच टेप ना हो तो हम चिपका भी सकते हैं हमारी इंच टेप। यहाँ पे ये थ्रेड डालने वाले दिए हुए हैं, बॉबिन रखने वाले, ये हमने पेचकस इस तरह से रखा है। यहाँ पे सारे बॉबिन रख सकते हैं, यहाँ हम एक चौक रख सकते हैं। यहाँ पे ये लॉक वाला सिस्टम है, इससे हम मशीन को लॉक करते हैं। यहाँ से पूरा दिखा लें, ऐसे आगे पीछे करते हैं मशीन को, फिर वापस धागा कट गया। और ये मशीन बड़ी छोटी हो जाती है यहाँ से। अभी हम मशीन के प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, चले जाओ सर। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हम फुट किस तरह से उठा सकते हैं। तो यहाँ नीचे इसमें नी वाला पैडल दिया होता है, इससे हम पूरा ऊपर 1 इंच इतना ऊपर उठा सकते हैं पैडल को, या फिर हमारा इधर पीछे भी दिया हुआ है, इसको भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, जो कभी यूज़ नहीं किया अब तक तो हमने। और अभी मशीन के ऑयलिंग की बात कर लेते हैं। तो मशीन का ऑयल हमें नीचे होता है यहाँ पे। मैं कितनी ताकतवर हूँ, मैंने उठा लिया। यहाँ पे ऑयल है और हमें आधा फील, यहाँ पे हाई लो फ्लो का लिखा हुआ है, वहाँ तक हमें भर देना होता है। हर 6 मंथ में, जब तक हमारा ऑयल रेड ना हो जाए, हमें चेंज करना पड़ता है। और कचरे की सफाई करते रहनी होती है। Yeah.
ये मशीन का जो मॉडल है वो सिल्वर सन कंपनी का है और S81 है, जो जिसका प्राइस 22,000 से 23,000 तक अकॉर्डिंग टू स्टेट होता है। 22,000 से 23,000 की ये मशीन आएगी। और अगर जूकी में आपको सेम ये सारे फीचर्स चाहिए तो जूकी की ऑलमोस्ट 40,000 तक मशीन आती है। यानी कंपनी का डिफरेंस ये सिल्वर सन वाली है तो फिर ये 22,000 से 23,000 में आ जाएगी, जो मैंने मुंबई से लिया है। मैं आपको लिंक भी मेंशन कर दूंगी इंस्टा आईडी की, जहाँ से मैंने ये परचेस किया है मशीन। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको कोई और नॉलेज चाहिए मशीन की तो कमेंट में बता सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं कि आपको और कौन सा वीडियोज़ हमारे चैनल पे देखना पसंद है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।